इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रिवाइज क्लियर आ रही है? ओके ओके स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कुछ याद है आपको? लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक किया था? आई थिंक प्रैक्टिस सेट 1.2 तक हुआ था ना? लोगों को कुछ याद है? टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी मैंने बताया था क्या? मैं एक्चुअली भूल रहा हूँ। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आप लोगों को बताया था मैं? ओके ओके आई थिंक यही से हमको कंटिन्यू करना है। तो आज हम लोग जानेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद। देखिए, टू ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में हम लोग को जानना है कि सिमिलरिटी, और आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े होंगे और कि सिमिलरिटी टेस्ट हम लोग जानते हैं कि एंगल टेस्ट होते हैं, जिसको ट्रिपल ए टेस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद साइड सिमिलरिटी होता है, और क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है। ये सब कुछ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हैं, जिसको एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर होने का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट यही कि हम लोग जो भी इसके साइड्स हैं उसको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे और साइड, तो हम लोग ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे कि किस टाइप्स के ट्रायंगल्स को हम लोग एंगल्स सिमिलरिटी ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल सिंपली दो हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ए, सपोज दिस इज ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और दिस इज पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो मेरे को मालूम करना है कि यह जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये एंगल सिमिलरिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही हमको जानकारी लेना है। तो इसको करने के लिए हम लोग सारे एंगल्स को मेजर करेंगे। देखिए, सपोज इसको मैंने मेजर किया, इसको मेजर किया, इस एंगल को 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 मेजर किया और इस एंगल को मेजर किया। तो मैंने क्या देखा, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंड एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल है, एंड एंगल सी एंड एंगल आर क्या है, इक्वल है। तो दिस टाइप्स के जैसे ही एंगल हमको फाइंड इक्वल एंगल्स हो गए, क्या हुआ इसका मतलब कि सारे एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो एंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये एंगल
टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आपको क्लियर हुआ। इस टाइप्स के एंगल क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इन्हेंसमेंट करते हैं इसमें। देखिए इसका प्रूफ जानने के लिए कि एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है और इसको प्रूफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रूफ के लिए फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, देखिए दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों को क्या किया हमने, फिर से हमने ड्रॉ किया, हम लोग ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को इसमें ओवरलैप कर देंगे, क्लियर है। इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। तो ओवरलैप करने से क्या मिलेगा आपको, देख लीजिएगा क्या मिलेगा। देखिए ओवरलैप करने के कारण जो हमारा एंगल पी था, देख रहे हैं ना, एंगल ए से कंसाइज हो गया, मतलब वो एंगल ए को क्या हो गया, यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, आपको फिगर से भी दिख रहा हो। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे कि जो ए बी सी है इसको क्या करेंगे, सपोज इसको 12 ट्रायंगल मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है, किसी ना किसी को 12 छोटा तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं और दो से ट्रायंगल सेम हो जाएंगे तो वहाँ तो सिमिलरिटी की बात तो ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी कि अगर दो ट्रायंगल सेम हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी दो छोटे बड़े में कंपेयर कर रहे हैं तो किसी न किसी को हमको बड़ा मानना पड़ेगा। इसको सपोज हमने क्या किया, ए बी सी को लार्जर ट्रायंगल हमने मान लिया और पी क्यू आर को हमने छोटा ट्रायंगल मेजर कर लिया। इसके बाद हम क्या प्रूफ करना है, एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, यही हमको फाइनली प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रोसीड कर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ये जो पी क्यू जो लाइन से पी आर जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। इसको हमने क्या किया, एम और एन नाम दे दिया, बेसिकली ये क्या है, क्यू एंड आर ही है, लेकिन हमने क्या किया कि एम एंड एन इसका नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम दे दिया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि जो एम पॉइंट है, जो एम पॉइंट है तो ये क्या, ये भी लाइन सेगमेंट पे है और जो एन पॉइंट है ये एसी लाइन सेगमेंट पे है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए एम इजकल टू पी क्यू। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्यू पॉइंट को ही तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, इसी पॉइंट को मैंने दूसरा नाम दे दिया एम और इसको दे दिया एन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल एम ए एम एन, ए एम एन मीन्स दिस ट्रायंगल मीन्स दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल में कंपेयर कर रहे हैं और दिस ट्रायंगल में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बताया था कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं और एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन उस पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सपोज हमारे पास टू पैरेलल लाइंस ये हैं दोनों और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस तरीके से ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एम, देखिए दिस इज ए एम, ए एम बाई एम बी, ठीक है, ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ाया है। अब बेसिकली ये प्रीवियस ईयर का ही, अगर रिवाइज करके आप नहीं आए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे इसी को प्रूफ किया था हमने, इसी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली में,
बीस बीस ओके, 20 का हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लियर है? 20 थ्योरम का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फिगर्स में एन बाई एन सी, एन बाई एन सी हो जाएगा। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एम को क्या लिख सकते हैं, एम को पी क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है? एम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, एम को पी क्यू भी लिखा जा सकता है। और इसको हम क्या किया है, रेसिप्रोकल कर दिए। देखिए इस इक्वेशन को क्या किया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। क्या किया है, एम बी बाई ए एम इक्वल टू एन सी बाई ए एन, क्लियर है? इसको हमने रेसिप्रोकल कर के यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए एम बी को और एक कंपोनेंडो डिवाइडेंडो एक रूल होता है, ये रूल मैं आपको बता दूं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल होता है, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? जैसे कि 1 मिनट, या सिंपली आप उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, ठीक है? आप उस तरह से नहीं समझ पाएंगे तो इस, देखिए ये जो यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, इस इक्वेशन तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना? थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल थिंग्स थिंग है, इसको आपको समझना होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, बताइए, मेरी वॉइस आ रही है? ओके, तो देखिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ये हमारा ये इक्वेशन है, ओके। और इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को +1 ऐड करते हैं, +1 इक्वल टू एन सी प्लस ए एन +1। इसमें कोई तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड भी हमने 1 ऐड किया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या किया, 1 ऐड किया। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम इक्वल टू ए एन। क्लियर हो रहा है आपको, इक्वेशन क्लियर हुआ? हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या किया हमने, दोनों दोनों साइड में हमने 1 ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके का दिखने लगा। तो इस इक्वेशन का दिखने का क्या फायदा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। देखिए स्कोर करने से हमको क्या हुआ कि ये जो हमारा एम बी प्लस एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्योंकि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इजकल टू टोटल लेंथ। ओके, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इजकल टू टोटल लेंथ बाई एम तो डिनोमिनेटर में था ही, और एन सी प्लस ए एन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बाई ए एन। ओके, अब देखिए एम को क्या लिख सकते हैं, एम को लिखा जा सकता है, एम को लिखा जा सकता है पी क्यू, पी क्यू, और एन को लिखा जा सकता है पी आर, एन क्या लिखा जा सकता है पी आर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष यही निकला कि इट कैन, जो हमने प्रूफ किया इसका यूज करके, तो यहाँ से ये आपको सीध होता हुआ दिख रहा है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो ये इक्वेशन था AC, इसका मतलब ये हुआ कि AC जो हमारा ये है AC बाई PR का रेशियो, और दूसरे शब्द में बोले AP AB बाई QR का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हैं ना कि जैसे ही ये इक्वेशन हमने इसको प्रूफ किया, ये हमारा इक्वेशन बना, इसका मतलब क्या हो कि दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ये हो कि दोनों का सारे जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है ये, समझ में आया? इसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी थ्योरम का आप प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? और आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा जितना हमने आपको पीछे पढ़ाया है। अब देखिए, एक होता है एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सपोज हमारे पास टू ट्रायंगल्स के टू एंगल्स मालूम है, तो सपोज ये 30 डिग्री है और दिस इज 70 डिग्री, तो क्या आप बता सकते हैं एंगल ए कितना होगा? एंगल ए आप बता सकते हैं कितना होगा इस ट्रायंगल में, बताइए तो एंगल ए कितना होगा? ओके ओके वेरी गुड। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को टू एंगल्स भी अगर मालूम हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का वैल्यू नहीं मालूम है, बी का वैल्यू 30 है, सी का वैल्यू 70 है, और टोटल का समेशन 180 है, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टू एंगल्स भी मिले, अगर हमारे पास टू एंगल्स भी होंगे, तो हम थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से इस स्टेटमेंट को पढ़िए क्या बोला गया। वी नो दैट फॉर ए गिवन कोरस्पोंडेंस ऑफ वर्टिसेस, व्हेन टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन रिमेनिंग एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द रिमेनिंग ऑफ द सेकेंड एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, इस जो भी आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को 1 मिनट प्लीज वेट। वेट कीजिएगा 1 मिनट। ओके, आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगा आप आपके पास। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हमारे पास टू एंगल्स हैं, सपोज दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सेकेंड एंगल। ओके, दिस इज द सेकेंड एंगल एंड सपोज दिस एंगल इज सपोज दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज ए एंड दिस एंगल इज सी एंड दिस इज पी क्यू आर। दिस मीन्स अगर टू 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 एंगल्स आर सिमिलर, मतलब कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू,
एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। क्लियर हुआ? तो एंगल एंगल टेस्ट का क्या कहना है कि अगर टू ट्रायंगल्स हमारे पास हैं और टू ट्रायंगल्स के टू एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, तो दिस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी एंड एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं? कोई ऐसे स्टूडेंट है कि बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है, बताइए तो। आप लिख कर बोल कमेंट बॉक्स में आप दोनों का डिफरेंस बताइए, तो जो आपके माइंड में आ रहा है वही आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आपके दिमाग में आ रहा हो लिखिए, गलत होगा कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। आप लोग इसको बताइए, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट। मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिख सके। ओके, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग इसको कीजिए, क्योंकि मैं इसका डिफरेंस जानना चाहता हूँ आपसे कि बेसिकली ताकि आप लोग इसको आप बताइए, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में क्या है डिफरेंस? एंगल 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 टेस्ट एंड एंगल एंगल टेस्ट में डिफरेंस क्या है? ओके, आप इसको बताइए। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए। मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि आप कुछ लिखें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है? आप ओके, वेरी गुड वन, ओके वेरी गुड अनुज। और स्टूडेंट्स बताइए आप लोग। ओके, टाइम अप, देखिए इसमें। ओके वेरी गुड, आपका है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपका। इन एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी टू ऑफ द थ्री ट्रायंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट व्हिच लीड्स द बोथ टू बिकम सिमिलर टू ईच। ओके, इन एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके वेरी गुड,
तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, उसमें थ्री एंगल्स आपको दिए रहते हैं, और एंगल एंगल में क्या होता है, वन एंगल नहीं दिया रहता है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि आप वहां से, इसलिए मैं आप टाइमर मैंने स्टार्ट किया कि आपको गिवन टाइम फ्रेम में आप थोड़ा बहुत भी आंसर लिख सकें, ताकि इसका प्रैक्टिस आप क्लास के साथ कर सकें, इसलिए मैंने आपको टाइमर की हेल्प से लिखने को कहा। चलिए वेरी गुड। अब एक आता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उस ट्रायंगल्स में एक एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, उसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड रेशियो ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। इन बोथ ट्रायंगल्स वी कैन सी दैट सपोज दिस इज द एंगल एल एंड दिस इज द एंगल एस। इन इन बोथ ट्रायंगल्स वी सी दैट कि एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एस। एंड इफ वी टेक साइड के एल इसका लेंथ दिया हुआ है वन, एंड वी टेक अनदर ट्रायंगल साइड दैट इज आर एस, दिस इज 1.5। सपोज वी टेक द रेशियो ऑफ बोथ एंगल्स आर एस बाई के एल, देन वी फाइंड 1.5 बाई वन, दिस मीन्स 1.5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव गॉट। इफ वी टेक अनदर साइड्स दैट इज एस टी, एस टी इजकल टू 3 एंड एल एम इजकल टू 2, एंड वी टेक बोथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन ए रेशियो, देन 3/2 इजकल टू 1.5। सो वी कैन सी दैट हेयर दिस बोथ रेशियो आर सेम। विच बोथ रेशियोज? आई दिस बोथ रेशियो, दिस एंड दिस, ओके, दिस एंड दिस, विच मीन्स इफ टू ट्रायंगल्स गिवन गिवन टू अस एंड इफ वी टेक बोथ ट्रायंगल्स इन 1 मिनट। सो बेसिकली साइड एंगल साइड क्या बताया जाता है, साइड एंगल साइड में हमें ये बताया जाता है कि अगर सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल विच मीन दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। इफ आई से दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन किस एंगल एंगल किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। सपोज दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ, एंड इफ आई टेक दिस इज द 105 डिग्री एंड दिस इज सपोज 105 डिग्री and this is suppose 5 meter and this is 6 meter, okay, this is 6 meter and this is 1 minute, this is 2.5 meter and this is 3 meter। अगर हमको जानना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड से सिमिलर है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ फॉलो आप कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि क्या फॉलो करने हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये दिया एंगल 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 क्या है, दोनों क्या है, सेम है, तो चलिए हमारा एंगल तो वेरीफाई हो गया, दिस एंगल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यानी एंगल का काम हमने कर लिया। अब हमको देखना है साइड और साइड में
दिस साइड एंड दिस साइड में कंपेयर करना है। तो देखिए हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग का रेशियो ले लेंगे। जैसे कि सपोज इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, सब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक मैन है जिसका एज 30 है, ओके, 30 इयर्स का है, ओके, एंड एक स्मॉल चाइल्ड है, दिस इज द मैन एंड दिस इज द स्मॉल चाइल्ड, ओके, और इसका सपोज वेट है आपका 3 kg, सॉरी वेट नहीं, 3 इयर्स का है, ये कितने इयर्स का है, 30 इयर्स का, और ये 3 इयर्स का है। तो मैं बोलूँ इसका वेट सपोज 90 kg है, सपोज मैं इसका 90 kg मैंने कर लिया, तो इसका मैं बोलूँगा कि 30 kg क्या है, 9 kg क्या है, 9 kg इसका वेट है, ठीक है, 9 kg इसका वेट है। और मैंने बोला ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि दोनों देखने में एक जैसे सेम लगेंगे, लेकिन डायमेंशनल क्या होगा उनका छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे क्या, अगर इनका, अगर आप हैंड हैंड मान लीजिए सपोज 1 मीटर है, तो इसका कितना हैंड होगा, इसका हैंड जानते हैं, इसको आप क्या कीजिए 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.3 मीटर का हैंड होगा इस स्मॉल चाइल्ड का, क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर एज का रेशियो लूँ, एज बाई एज, एज ऑफ मैन बाई, तो एज 90 था और इस बच्चे का सॉरी 30 था एज, और ये चिल्ड्रन का कितना एज था, 3 था, तो इन दोनों का रेशियो 10 आ रहा है। वेट का रेशियो जब मैंने लिया, वेट का, वेट ऑफ मैन बाई वेट ऑफ चाइल्ड, तो वेट मैन का था 90 kg और चाइल्ड का था ये 9 kg, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, उसी तरह जब भी कुछ कंपेयर करना हो तो हम लोग रेशियो कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी बाई, यस यस 1 मिनट, यस, सॉरी, हाँ 0.33 होगा, लेकिन मैंने 0.3 अप्रोक्सीमेट किया, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होगा, अगर हमको किसी को कंपेयर करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड को हम लोग कंपेयर करते हैं, दिस इज ए बी एंड दिस इज डी ई, इन दोनों का रेशियो लेंगे, ए बी का लेंथ 5 मीटर एंड डी ई का लेंथ 2.5 मीटर, दिस मीन्स इन दोनों का रेशियो 2 आया, ओके, वेरी गुड। इसको वन साइड में रखेंगे, दिस इज द वन साइड। अब क्या करेंगे, बी सी बाई ई एफ का रेशियो लेंगे, बी सी बाई ई एफ, बी सी का लेंथ कितना है, 6 मीटर एंड ई एफ का रेशियो 3 मीटर, दिस इज 2, ओके। दिस मीन्स वी कैन से दैट कि बोथ रेशियोज आर सेम, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि ट्रायंगल क्या है, छोटे बड़े साइज के हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों समानता है, ठीक है ना, दोनों में कुछ आपके करेक्टरिस्टिक सेम मिलेंगे। जैसे अब सेम मिलेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस एंगल भी सेम मिलेगा, दिस एंगल भी सेम मिलेगा, क्योंकि कोई भी एंगल, कोई भी आप टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा, सारे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आपके प्रूफ हो जाएंगे, मीन्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास एक आता है साइड एंगल, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इसमें क्या करते हैं कि ऑल साइड्स का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, क्या करते हैं, ऑल साइड्स का रेशियो लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे कि सपोज हमारे पास दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज द अनदर ट्रायंगल, ओके, दिस इज एक्चुअली लार्जर देन फर्स्ट वन एंड दिस इज द ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज सपोज 10 मीटर, दिस इज 8 मीटर एंड दिस इज 12 मीटर सपोज, एंड दिस लेंथ इज 36 मीटर एंड दिस इज 30 मीटर
एंड दिस इज 24 मीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्या ये साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है आप बताइए। तो क्या ये साइड साइड एंगल ऑफ सिमिलरिटी को फॉलो कर रहा है, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, इसको बताइए। सारे स्टूडेंट अगर आंसर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, ये बताइए ये साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी फॉलो किया जा रहा है, बताइए। ओके, और स्टूडेंट्स बताइए। ओके, और लोग बताएं, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट का कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। अनुज आप बताइए, जय आर्यन, दिविजेश, तू ही स्टूडेंट कुछ समझ में आया है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द साइड ए बी, ओके, ए बी बाई, एंड वी टेक अनदर साइड दैट इज पी क्यू, एंड 10/30 विच मीन्स 1/3, रेशियो इज 1/3, एंड ए सी बाई पी आर विच मीन्स 12/36 1/3, एंड बी सी बाई क्यू आर विच मीन्स 8/24 इट मीन्स 1/3। So here we can see that means this is in left hand, right hand side, all ratios are same. This means this both the angles, these both the angles follow the test of similarity, which is side 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 test of similarity. So you understand this concept? आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए? ओके, वेरी गुड। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डील करेंगे, जैसे कि हमने कर लिया। और देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी है जिसको, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमको जानना है। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर एंगल ए बी सी सिमिलर है, खुद से सिमिलर, अगर कोई मनुष्य है, कोई मैन है, वो तो क्या खुद से तो सिमिलर होगा ही, ठीक है ना। जैसे अगर कोई, तो अगर वो अपने से कंपेयर करे खुद को, तो बोले उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, दी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, विच मीन्स क्या हुआ, विच मीन्स Which means that कि
रिफ्लेक्सिविटी मीन्स कि खुद से क्या है वो सिमिलर है, मतलब उसका अगर हम सकल ट्रायंगल हम लोग बना दें, इसका हम सकल ट्रायंगल बना दें सपोज, तो क्या होगा इसका खुद से सिमिलर रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। और सपोज हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, सपोज जैसे कि राम जो है श्याम के बराबर है, ठीक है, एंड श्याम सोहन के बराबर है, ठीक है, तो वी कैन से दैट राम इज इक्वल टू डायरेक्टली सोहन, लिख सकते हैं राम इज इक्वल टू सोहन, क्लियर है। उसी तरीके से ये तो मैंने ट्रांसिटिविटी का मतलब बताया, लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके से दो कंडीशंस दिए हुए हैं, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किससे, डी ई एफ से, तो इसको अलग शब्दों में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से, क्लियर है, क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टीज को बोला जाता है। अब रिफ्लेक्सिविटी मैंने बताया था कि राम अगर श्याम के बराबर है और श्याम सोहन के बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, राम इज इक्वल टू सोहन, मीन सिमिलर है, तो समझ पा रहे हैं ना, तो इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ट्रांसिटिविटी, ओके। अब थोड़े से क्वेश्चंस हमको करने हैं, क्वेश्चंस हमको इस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन में क्या बोला गया और क्या निकालना है सबसे पहले जाने। इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दिस इज आवर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज 100 डिग्री, वेरी गुड, एंड एंगल जेड इज 30 डिग्री, ओके, एंड इन एंगल एलएमएन एंगल एम इज 100 डिग्री एंड जेड, ओके, वन व्हिच मींस वन मिनट, this is your this is angle 100 and this is also angle 100 and this is z angle is 30 and this is also 30, we can say that ki ye angle kitna hoga bataiye, to this angle kitna hoga bataiye, to ye both angle x kitna hoga aap bataiye, angle x barabar angle l kitna hoga, 50 होगा, वेरी गुड, 50 हमारा एंगल होगा। तो यहाँ आप बताइए किस एंगल ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से इक्वल है, किस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से इक्वल है, दोनों किस एंगल, ओके वेरी गुड, एंगल इससे है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से इक्वल होंगे, क्लियर है, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसके बाद देखिए इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी को आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि इसमें आपको जज करना है आर टू ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर सिमिलर, ओके, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन फियर्स बाई विच टेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों, ये देख रहे ना, ये डबल आपको एरो जैसा साइन दिख रहा है ना आपका, तो कभी भी इस तरह का साइन आपको दिखे इस तरीके का दिस एंड दिस, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल सेम है, ठीक है ना, दोनों एंगल क्या है, सेम है, आपको ये ध्यान में रखना है,
और यहाँ पे इन दोनों एंगल दोनों का रेशियो लीजिए तो PM बाई UV कितना आएगा, PM बाई UV इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2 एंड सो MN बाई VW लेंगे, दिस इज ऑल्सो रेशियो इज 2, दिस मीन्स बोथ रेशियोज आर सेम, वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाई साइड एंगल, साइड दे स्टफ सिमिलरिटी बिकॉज हेयर वी कैन से दैट कि बोथ एंगल्स आर सिमिलर विद साइड एंगल साइड ऑफ सिमिलर। ये बोथ क्वेश्चन आपको समझ में आए, बोथ क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके तो आज मैं थोड़ा सा क्लास मैं पहले छोड़ूंगा आप लोगों का, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपको बनाना है, मैं 8:50 में क्लास इन करूंगा। ओके 2 मिनट्स हैं हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत है बताइए, 8:50 में क्लास इन करूंगा तो कोई दिक्कत? ओके तो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 एंड 2 एंड प्रैक्टिस सेट 1.3 का कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। कौन से क्वेश्चंस हैं 1 एंड 2 एंड एंड 3? ओके 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिकली डिस्कस कर दिए हैं। ओके तो यहाँ तक क्लियर है जो भी मैंने पढ़ाया है, क्लियर है? तो आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं जो आसान है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ही रिलेटेड है, आप इन क्वेश्चंस को बनाइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को उससे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको जो भी हमने पढ़ाया? चलिए ओके तो आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये 3 क्वेश्चंस। ओके चलिए थैंक यू ऑल।